हेलो फ्रेंड्स, तो हम आए हैं यहाँ पर दरबान सिंह म्यूजियम लैंसडाउन का, जो हमने पहला केंद्र यहाँ पर शुरू किया है, लैंसडाउन म्यूजियम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लैंसडाउन म्यूजियम है, प्लस में एक ऑडियो विजुअल रूम है जहाँ पर मूवी भी दिखाई जाती है। और अगर आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, वहाँ पर एक परेड एरिया है जहाँ पर कि यहाँ पर रेजिमेंट जो है परेड करती है। वहाँ पर एक हिस्ट्री को जो यहाँ पर सुनाया जाता है, हिस्ट्री भी यहाँ पर बताई जाती है। तो यहाँ पर फोटोग्राफी मना है अंदर, तो इसलिए मैंने अंदर की पिक्स आपको नहीं आ सकती, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे जो हम देखने आए हैं, वो हम बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, जो नाम रखा गया है दरबान सिंह। तो दरबान सिंह एक सबसे यंग जो एक हेड थे एक रेजिमेंट के, जिन्होंने 23 और 24 नवंबर 1914 को जीत हासिल की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उनके नाम पर ये रखा गया था। और उसके बाद में 1890 में इस जो जगह है इसका नाम चेंज करके लैंसडाउन हो गया था, जो कि वहाँ के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड जो है लैंसडाउन, उनके नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दिखाया गया है, यहाँ पर आपको जो अंदर, आप अगर आप एक सैनिक के प्रति एक देशभक्त हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल मस्ट विजिट कीजिए। आप भी सेना में जाना चाहते हैं और आपके लिए एक अंदर से एक अंदर की देशभक्ति की है तो भावना, वो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको बड़ा ही अच्छा फील होने वाला है। यहाँ पर जो दिखाया गया है, सारे रेजिमेंट आपको दिखाई गई हैं कि कौन कौन सी रेजिमेंट है, क्या उसके बारे में बातें की गई हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है रेजिमेंट के बारे में, कि कितनी राइफल्स हैं, कितने रेजिमेंट हैं, वो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर जो रेजिमेंट के जो सैनिक हैं, जो कि फेमस सैनिक्स हैं, जो वीर सपूत हैं, उनकी पिक्चर्स भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। उसके साथ साथ दो सपूत ऐसे थे हमारे देश के, जो कि फ्रांस में जिनका देहांत हुआ, जो फ्रांस में जो उनका देहांत हुआ, तो हम इंडिया में उनकी बॉडी नहीं ला पाए, लेकिन उन दोनों की यहाँ पर जो है आपको बस जो है वो रखी गई है। यहाँ पर उनके जो औजार वो यूज़ करते थे, जो जो राइफल्स उन्होंने यूज़ किए, जो जो बंदूकें उन्होंने यूज़ की हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, वो यहाँ पर आपको सारे अवार्ड्स देखने को मिलेंगे, जो भी अवार्ड्स उनको मिले हैं, जो भी मेडल्स हैं, मेडल्स के बारे में यहाँ पर जानकारी है। इसके अलावा जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो हिस्ट्री से कॉइन है, जो हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, और क्या क्या कॉइन्स रहे यहाँ पर, कॉइन्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ज्ञानी जैल सिंह, जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह ने जो चेयर यूज़ की थी, तो वो चेयर भी यहाँ पर रखी गई है इस म्यूजियम में। इसके अलावा प्रणव मुखर्जी ने विजिट किया था, तो वो सब भी यहाँ पर आपको सब दिखाई देगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि दरबान सिंह के नाम पर ये है म्यूजियम, तो दरबान सिंह का जो है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, उनकी तस्वीर, लैंसडाउन की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ रास्ते भी बताए गए हैं जहाँ से आप बद्रीनाथ या केदारनाथ रास्ता है, या पूरा मैप दिखाया गया है बेसिकली लैंसडाउन का। लैंसडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, यह जो ये एरिया है यहाँ पर ज़रूरत इसलिए पड़ी थी, जब तीसरी रेजिमेंट थी जो गढ़वाल की, जब बनाने की बात आई, तो उसके लिए जब अलग हुई रेजिमेंट, एक अलग टुकड़ी तैयार करने की बात आई, तो उसके लिए जगह की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे जो आप पहले जो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे पहले पूरा पहाड़ होता था, और 1886 में ये जरूरत पड़ी, तो 1887 में ये बनाया गया, पहाड़ों को काट कर ये एरिया बनाया गया है, और ये रेजिमेंट के लिए बहुत ही फेमस है। आज भी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है रेजिमेंट की, जो कि सबसे फेमस चीज़ लैंसडाउन की यही है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग देश के यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर आपके दिल में जज्बा है, कोई भी इतिहास आप देखना चाहते हैं गढ़वाल के रिलेटेड, तो वो आपको पूरा यहाँ पर दिखाई देने वाला है, तो आप यहाँ पर मस्ट विजिट करें। पब्लिक आप देख सकते हैं, ये शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तो आप शाम को 5 बजे से पहले आएँ जब भी आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, और आपको देख जब आप अंदर का नज़ारा देखेंगे, आप में एक अलग ही देशभक्ति की भावना जागने वाली है, और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा सा खूबसूरत है, एक छोटा सा ये पार्क बनाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे जो है ये ग्राउंड है, यहाँ पर लाइटिंग्स का प्रबंध किया गया है, ताकि शाम को जब परेड हो तो वो यहाँ पर नज़ारा अच्छा है। सामने कुछ एक गेम कोर्ट भी बनाया गया है खेलने के लिए, फुटबॉल के लिए। तो ये बेसिकली स्टेडियम है, दयास स्टेडियम इसका नाम रखा गया है, DIAS स्टेडियम मेरे पीछे है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर विज़िट किया है आपने, तो भी मुझे बताएं। अगर अभी तक आप लोगों ने विज़िट नहीं किया, अगर आप आने वाले हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पूरा हिस्ट्री के बारे में आपको मैं वहाँ पर डाल दूँगी, आप वहाँ से पूरा जो है ले सकते हैं कि क्या क्या है हिस्ट्री, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी और ऐसी जगह है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, जो मेरी नज़र से छुटी है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।